तो दोस्तों आज हो गया है 26 जनवरी दिन शनिवार। और दोस्तों सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की आप सभी भाइयों बहनों और यहाँ पर दाद दादियों को सबकी सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और दोस्तों आपका जीवन मंगलमय हो। और दोस्तों आज की बड़ी खबरें, ताज़ा खबरें आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बजट 2018 यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्यों दी थी जेटली को बधाई। यहाँ जानिए पूरी मामला, यानी कि इस बार बजट का अरुण जेटली पेश नहीं करेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल को कहा को यह जिसमें सौंपा गया। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस साल बजट अरुण जेटली ने पेश नहीं कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका में उनको ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद उन्हें 2 सप्ताह आराम करने की सलाह दी गई। उनके गैर मौजूदगी में वित्त मंत्रालय को अतिरिक्त प्रभार रेल मंत्री पीयूष गोयल को सौंप गया है। इसे ऐसे में आपको बताने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले बजट अरुण जेटली की तारीफ क्यों की थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर को इंडिया सतर्क करने वाला बताया गया है। यहाँ पढ़िए, केंद्र सरकार बजट 2018 प्रधानमंत्री बजट को दिया गया व्यक्ति यहाँ पर, यानी कि प्रधानमंत्री का भाषण में वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली को जिस बजट के लिए बधाई देता हूँ, ये न्यूज इंडिया की नींव को सशक्त करने वाला बजट है। यानी कि दोस्तों वित्त मंत्री जो हमारे अरुण जेटली है, उनका इलाज चल रहा था। उनके कार्यकाल में यहाँ पर जो पीयूष गोयल हैं, यानी कि रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं, उनका कार्यकाल संभाल रहे थे। अगली बड़ी खबर निकाल कर रही है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इंडियन से अंग्रेजों खरीदी गई ये 4 कंपनियां यहाँ पर आज भारत में कर रही हैं राज। यानी कि दोस्तों यहाँ पर रिपब्लिक डे 26 जनवरी स्पेशल आज देश के बड़े ब्रांड्स में गिनी जाती है अंग्रेजी की ये कंपनियां। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें अंग्रेजों से यहाँ पर खरीदा गया भारत में। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजों को भारत को गुलाम बनाने का मुख्य लक्ष्य यहाँ से बेशुमार दौलत पर अपने देश लेना है। यानी कि दोस्तों इसके लिए उन्होंने भारत आकर कई कंपनियाँ खोली, जिनमें शराब से लेकर होटल जैसे सेक्टर शामिल थे। इनमें से कुछ कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने भारतीय ने आज़ादी से पहले ही अंग्रेजों से खरीदकर हाथ में ले लिया था। इसमें से यहां पर मेक इन उर्बान ग्रुप जैसी कंपनियां शामिल है। आइए 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के मौके पर अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई ऐसी कंपनियों के बारे में जानते हैं, तो जिन्हें इंडियन चला रहे हैं और जो देश के बड़े ब्रांड्स में गिनी जाती है। इनमें से कुछ ऐसी भी जिनकी कमान भले ही इंडियंस के हाथ में न हो भारत, लेकिन उनकी खास धाक। अगली बड़ी खबर निकल कर आई है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जाने कहां बनता है आपका तिरंगा झंडा, हर किसी को बनाने की छूट नहीं है। यानी कि रिपब्लिक डे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे के बारे में जाने खास बातें। तो यहां पर आज रिपब्लिक डे में यहां पर देख सकते हैं कि कहां बनता है आपका तिरंगा झंडा। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहां पर 70वें गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। देश में जगह जगह राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जा रहा है, लेकिन हर भारतीय की आन बान शान के प्रति राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानते हैं। ये तिरंगा कहाँ बनाए हैं, आइए हम पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कर्नाटक खादी यहाँ पर ग्रामोद्योग संयुक्त फेडरेंस यहाँ पर खादी व विलेज इंडस्ट्री कमीशन द्वारा सर्टिफाइड देश की अकेली अथराइज्ड नेशनल फ्लैग कम्युनिफिस यूनिट है। यानी कि दोस्तों यहाँ कर्नाटक के हुबली शहर के बेंगेरी इलाके में स्थित और इसे हुबली यूनिट भी कहा जाता है। यानी कि KKGS की स्थापना नवंबर 1957 में हुई थी और इसमें 1982 में खादी बनाना शुरू किया। यानी कि 2005 से 2006 में इस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIC सर्टिफिकेट मिला और इसे राष्ट्रीय ध्वज बनाना शुरू किया। यानी कि देश में जहां कहीं आधिकारिक तौर पर यहां पर राष्ट्रीय ध्वज इस्तेमाल होता है, यहीं बने झंडे की होती है सप्लाई। यानी कि विदेशों से मौजूद यहाँ पर इंडियन NCBs के लिए भी यही बनाए जाते हैं झंडे। इसके अलावा आर्डर एवं कुरियर के जरिए कोई भी यहाँ पर नहीं बना सकता, नहीं तो खरीद सकता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि धागा एवं कपड़ा बनाने के लिए अलग यूनिट, यानी कि दोस्तों KKGSS की बागलकोट यूनिट में हाई क्वालिटी के कच्चे कॉटन से बनाया जाता है। धागा गार्डन केरी बेलारूस तुलसीगिरी में कपड़ा होता है तैयार, यानी कि फिर हुबली यूनिट में होती है डाई व बाकी की प्रोसेस। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जिनसे भी ज़्यादा मजबूत होता है कपड़ा, केवल काटन और खादी के बनते हैं झंडे। हाथ से मशीनों एवं चरखे के जरिए बनाया जाता है धागा, यानी कि टेबल से लेकर राष्ट्रपति भवन तक के झंडे यहाँ पर सबसे छोटा 6.4 इंच की मीटिंग के व कॉन्फ्रेंस आदि से टेबल पर रखा जाने वाला झंडा, 9 संबंधे यहाँ पर 6 इंच TB VVIP कारों के लिए, 18-12 इंच के
आईपी कारों के लिए यहाँ पर इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सारी डिटेल्स आपको दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अगली जो बड़ी खबर निकल कर आई है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 1 हेक्टेयर में यहाँ पर पपीते की खेती से सालाना कमा सकते हैं 10 लाख, बढ़ रही है मांग। यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में कहीं भी कर सकते हैं पपीते की खेती, यानी कि दोस्तों अब भारत में यहाँ पर आप कहीं भी पपीते की खेती कर सकते हैं और उससे लाखों रुपये कमा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि खेती से कमाई कराने में मामले में पपीता आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, यानी कि हाल ही के दौर में मार्केट में आई हाइब्रिड किस्मों के चलते पपीते से कमाई कम करना पहले सबसे ज़्यादा आसान हुआ है। यानी कि आपके हेक्टेयर पपीते की खेती से एक एक सीजन में करीब 10 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। पपीते की खासियत यह है कि इसके फसल जल्दी तैयार हो जाते हैं और साल भर में फसल देने लगती है। एक बार पपीता लगाकर आप 3 साल तक उपज ले सकते हैं। इसके चलते एक बार पेड़ तैयार होने पर लागत भी कम हो जाती है। आगे जानते हैं पपीते की खेती के बारे में, इसके जरिए और कमाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत में कहीं भी कर सकते हैं पपीते की खेती। पपीते की खेती के लिहाज से भारत एक उपयुक्त देश है। इसे अधिकतम 38 से 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में उगाया जा सकता है। ऐसा तापमान कमोबेश पूरे भारत में पाया जाता है। पपीते की खेती के लिए न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, मतलब आप इसे पहाड़ों से तट सटे इलाकों में भी उगा सकते हैं। इस लिहाज से आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं तो पपीते की खेती आप कर सकते हैं और उसे आप लाखों रुपये कमा सकते हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सोलर लैंप बिजनेस से कमा सकते हैं सालाना 20 लाख रुपए, कैसे सीख कर यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर छोटे शहरों में बढ़ रही है सोलर लैंप की डिमांड, मोदी सरकार भी कर रही है सपोर्ट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल बढ़े और इसके लिए उनकी सरकार कई तरह की स्कीम शुरू की है, यानी कि इसका असर भी देखने लगा है और देश में सोलर प्रोडक्ट्स की मार्केट तेज़ी से बढ़ती जा रही है। यहाँ पर लोग सोलर पैनल लगाने के साथ साथ सोलर लैंप, सोलर गीजर, सोलर हीटर जैसे प्रोडक्ट्स के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। वहीं मोदी सरकार सोलर प्रोडक्ट्स का बिजनेस करने वालों को लोगों को प्रमोट भी कर रही है। ऐसे में यदि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप सोलर लैंप बनाने की कंपनी शुरू कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बेरोजगार हैं, तो आप सोलर लैंप के यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। सरकार की वजह से यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक में ऐसे बिजनेस को लोन देने में काफ़ी इंटरेस्ट लिखा जा रहा है। इसके लिए आपको एक अच्छा मौका हो सकता है। यानी कि दोस्तों अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप मोदी सरकार के द्वारा इस बिजनेस को लोन में ले सकते हैं। आज हम आपको ये इस बिजनेस के बारे में विस्तार से बताएंगे, सोलर लैंप बनाने के प्लांट और कैसे कितने इन्वेस्ट में लग सकता है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि बिजनेस से आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कितना होगा प्रॉफिट। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यहाँ पर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर आपको फिक्स्ड कैपिटल के तौर पर मशीनरी एवं डिपार्टमेंट में 3.50 लाख रुपये खर्च करने होंगे। इसमें आपको यहाँ पर ड्रिल मशीन, गाइलैंड, हाई वोल्टेज ब्रेन डाउन टेस्टर, ऑटो ट्रांसपोर्ट इंस्ट्रूमेंट टेस्टर यहाँ पर इंस्टॉल पर लगभग 1 लाख से 5 लाख रुपए खर्च होंगे। यानी कि 5 से यहाँ पर 30,000 इन्वेस्ट फिक्स्ड कैपिटल पर करना होगा। वहीं मार्केटिंग कैपिटल के तौर पर 1,50,000 की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसके अलावा पहले आपको 1,000 सोलर लैंप बनाने के लिए आपको लगभग 17 लाख रुपए के रॉ मीटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें सोलर पीवी मॉड्यूल, बैटरी, एलईडी स्विच, इनपुट यहाँ पर कनेक्टर, मॉडर्न प्लास्टिक कैबिनेट, फ्यूज केबल, पीसीबी, सेमी कंडक्टर्स, रेसिस्टर्स, कैपेसिटर, ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंपोर्ट आदि शामिल है। प्रोजेक्ट के रिपोर्ट के मुताबिक एक सोलर लैंप पर लगभग 17,000 रुपये यहाँ पर आपको फ्यूज देना होगा। तो यहाँ पर ये थी आपकी बड़ी खबरें। अगर आप चाहें तो इसका जो है बिजनेस भी कर सकते हैं, जो यहाँ पर आपको लिखा था। तो आज की हमारी 26 जनवरी 2019 दिन शनिवार को सभी भाइयों बहनों को यहाँ पर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज की हमारी कहानी, आज की हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।